देखिए, आपने सवाल पूछा कि कितनी सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल और सिंबल पे हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। मैंने वैसे कह दिया था कि पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात है और 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि चौधरी अजीत सिंह जी की उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि डट के खड़े होंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी 80 सीटों पर हमारा फोकस होगा। धन्यवाद। अभी तक की जितनी भी बातचीत आपसे हुई है, हर बातचीत में मैंने यही कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ है, गठबंधन में साथ है। आदरणीय मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, आज हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी भी साथ है। तो ये सवाल आपके मन में कहाँ से आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है? आप क्या बता रहे हो, कौन सी बात कह रहे हो? मैंने कितनी बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उनके बारे में कौन सा दल कौन शामिल हो रहा है ये चर्चा का विषय है, लेकिन ये महागठबंधन है जो किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों को जो लगातार अन्याय हुआ है। बताओ, हमारा किसान खेत में चौकीदार बन के रह गया, रात भर नहीं जग रहा क्या? बताओ आप, रात भर अपनी फसल बचा रहा है और फिर कर्ज माफी के सपने दिखा करके कहां कर्ज माफ हुआ? कुछ पैसे दे देना चुनाव से पहले, वो भी खाते में पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, ये तो वही है जो बोरी से काटा गया पैसा। और फिर समाजवादी पेंशन बंद कर दी गई, 500 रुपए समाजवादी लोग भी देते थे। अभी बकाया है गन्ने का, बताइए कितना बकाया है गन्ने का। इसलिए किसान को रास्ता दिखाना है, और पहले भी कहा कि कम से कम किसानों का, और हम सब लोग सहमत हैं, जयंत चौधरी जी भी सहमत हैं, गन्ने के इलाके से आते हैं। बताओ, आज भी तकलीफ में है किसान। कितनी बार भरोसा दिलाया कि 14 दिन में दे देंगे भुगतान। इसे संपूर्ण अगर कर्ज माफ होगा तभी जाकर के हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा। नई दिशा से एक बार फिर सोचना पड़ेगा किसान के बारे में। ये संगम है, ये कोटा वोटा नहीं है, कोटे की तो लड़ाई इसके बाद लड़ेंगे हम। ये सवाल आप बीजेपी से करिए जिन्होंने सबके साथ समझौते किए हैं और तोड़े हैं और आज भी नहीं निभा पा रहे। क्यों उनके सहयोगी दल इतने नाराज हैं उनसे? तो हमारी राह साफ है। मैंने कहा ये संगम पुराना है और ये आगे भी निभेगा, और हमें इनके साथ काम करने में जो आराम है और दिल से जो बात निकलती है वो और कहीं निकल नहीं सकती। तो स्वाभाविक है, दिल से जुड़ा है तो चलेगा ना। किस पर? नहीं, वो तो कुछ ये लेते कि मैंने कहा विचारों का संगम है, जहाँ जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका ये जवाब है कि संविधान बचाना है और संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को बचाने की लड़ाई भी आने वाले समय में लड़नी होगी। नहीं, आप, मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा हूँ। एक तो राष्ट्रवाद का सवाल आप पूछ रहे हैं और फिर अंत जाने कहाँ कर रहे हैं आप। ये संगम विचारों का हुआ है इस बार और ये मजबूत है। आदरणीय अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी, ये किस विरासत को आगे ले जा रहे हैं? चौधरी चरण सिंह जी ने एक विरासत तैयार की थी किसानों की, उस विरासत को आगे ले जा रहे हैं। पूरा किसान देश का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार उनका भविष्य कैसे बेहतर होगा। अच्छा, मेरे पत्रकार साथियों से निवेदन है, मनमोहन जी वहां पूछिए, ऐसे आवाज नहीं आएगी। किसने कहा ये? देखिए, जो घटना हुई है देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है, और सच्चाई कैसे आएगी सामने ये सरकार कर सकती है, और सरकार की कोशिश होनी चाहिए
पुलवामा में जो घटना हुई है उसकी पूरी की पूरी सच्चाई जनता के सामने आए। जो शहीद परिवार हुए हैं उनका सम्मान यही तो हो सकता है कि उनको शहीद का दर्जा मिल जाए। कई प्रदेश सरकारें जिन पर बजट नहीं है, और वहीं आपको याद होगा ये प्रदेश सरकार दावा कर रही थी कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। अरे ऐसे सबसे बड़े बजट से क्या फायदा कि हमारे शहीद परिवारों के 1 करोड़ की मदद नहीं कर पा रहे। केंद्र को और प्रदेश सरकार को दोनों को मिलकर के 1-1 करोड़ की मदद करनी चाहिए और उन जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए सरकार पिछले कई वर्षों से सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है और फौज से मेरा बहुत गहरा संबंध है। इसलिए संबंध है कि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ और हमारे साथ के पढ़े हुए लड़के आज भी फौज में हैं। कई जगह सेंसिटिव बॉर्डर्स पे खड़े हैं मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए, और हमारे रिश्तेदार भी बहुत सारे हैं फौज में, बहुत इंपॉर्टेंट जगह खड़े हुए हैं। तो देश सच्चाई जानना चाहता है, सच्चाई क्या है। हम किसी पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं। और फिर फौज तो देश की है, फौज का सम्मान कौन नहीं करता? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी फौज उसका है, उसकी है? वर्दी पहन करके जिन्हें सजा मिलनी चाहिए, अगर फौज की वर्दी कोई पहन लेता है तो सजा है उसके लिए? किसी ने आवाज उठाई कि आवाज सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फौज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं लोग। हालांकि आपकी आवाज अच्छी है और मेरा जवाब भी आप जानते होंगे। कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं भी सदन में था, जैन जी भी हो सकता सदन में हमारे साथ रहे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। क्या वो बन गए दोबारा? और फिर आशीर्वाद के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा? ये देखिए फिर हंस रहे हैं आप लोग। आप देखिए आप हमारा ध्यान हटाने की कोशिश मत करिए। मैं जानता हूं देश की जो सरकार है वो लगातार ध्यान हटाने का काम कर रही है, और इसी जगह पर इसी हॉल में हमने आपने न जाने कितनी बार इस बात को कहा है मैंने आपसे कि ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये ध्यान हटाने का जाने कहाँ का उनके पास अनुभव है, जब चाहते हैं तब ध्यान हटा देते हैं। लेकिन सोचिए लोकतंत्र में क्या ये भाषा होगी जो भाषा इस्तेमाल हो रही है आज? वो चाहते हैं कि यही भाषा और लोग भी इस्तेमाल करें जिससे लाभ उठा लें। लेकिन हमारे जितने भी गठबंधन के सहयोगी साथी हैं किसान की तकलीफ को भूल नहीं सकते, किसान की परेशानी को नहीं भूल सकते। इतना बड़ा देश हो गया, कहते हैं 125 करोड़ का देश है, लेकिन सोचो 125 करोड़ देश के नौजवानों के सबके सपने तोड़ दिए। किसी को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, वो आंकड़े कहाँ हैं रोजगार और नौकरी के? नहीं सरकार दे पा रही है। और फिर देखो हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे हैं, इनसे अच्छा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता कोई। जिस समय वो समीक्षा कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की, उसी समय एक सराफा व्यापारी के साथ क्या घटना हुई लखनऊ में, पूरे प्रदेश में क्या घटना हो रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को सताया जा रहा है, कहीं न्याय मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता कोई। अच्छा एक बात, जो आपने आखिरी से मैं सवाल शुरू करता हूं जवाब, जो आपने कहा कि 10% के लिए जो केंद्र सरकार ने किया है उसमें मैं क्या करूंगा, मैं वही करूंगा सभी आरक्षण पाने वाले लोगों को जो सरकार ने नया जियो दिया है, जो नया जियो जिस तरीके से लागू किया है उसी तरीके से हमारे दलित आदिवासी पिछड़े लोगों को भी वही जियो से उन्हें भी सुविधा देने का काम करेंगे। RLD को जो टिकट दिए हैं वो तीनों के तीनों एक पर्चा है, मैं अभी आपके पास भेज दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे जॉर्जियंस हैं जो फौज में अलग अलग जगह बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पर हैं और इसकी आप जानकारी कर सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है, और फिर
बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर सरकार ये कहे कि अगर रफेल होता तो ऐसा न होता, हम ये कहते हैं कि अगर मिराज और सुकोई ने पीछा किया होता F-16 तो कुछ और होता। तो इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस किसान को पैदा करना था, जिसको किसान को हक मिलना था, फसल की पैदावार की कीमत मिलनी थी, उसे आपने चौकीदार बना दिया। रात भर जग करके क्या इंतजार कर रहा है? उन सवालों का जवाब क्या है? नौकरी से क्यों हटना चाहते हो कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? हम तो कहते हैं आपको फौज मजबूत करनी है तो फौज की बहुत सी चीजों को देखना होगा, आप फौज की संख्या बढ़ाइए। हम तो कहते हैं कि 10 लाख की भर्ती करिए, आप क्यों नहीं करते हैं? आप नौजवान तैयार है देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए, 10 लाख सरकार भर्ती करे, क्यों नहीं कर रही? 10 लाख 5 साल में 10 लाख भर्ती कर देती, हमारे जवान नौजवानों को वहां सेवा करने का मौका मिल जाता। वो मजबूरी में यहां पर बेचारे कैंडल लेकर के शहीदों को याद कर रहे हैं, उन्हें मौका मिलता वहां जाते, सीमा में सेवा करते देश की। हम तो आज कहते हैं सरकार को कहना चाहिए 10 लाख नहीं, हम 20 लाख की भर्ती कर देंगे। क्यों पीछे हट रही है सरकार? पाकिस्तान के बारे में हमारी राय साफ है कि अगर कोई भी देश भारत में आतंकवाद या इस तरह का देश को कमजोर करने के लिए कोई काम करेगा तो उसका जवाब भारत देगा। वहीं हमारा भारत देश मजबूत कैसे हो, देश कैसे शक्तिशाली हो, दुनिया में इसका सम्मान कैसे बढ़े, आने वाले समय में सड़क के माध्यम से बोर्ड तक पहुंचेंगे और बूथ पर असली सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है। इस सरकार ने बताओ बेरोजगारी पे क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक की? सरकार से आप पूछिए कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत की लेकिन बेरोजगारी पे क्यों नहीं की? अरे हमारा जरा पोस्ट देख लो, हमें क्या क्या कह रहे हैं लोग। अरे हम दूसरी बात कह रहे हैं आपसे, हम कोई चीज पोस्ट कर दें, हमारे पोस्ट पे न जाने क्या क्या लिखा जाता है। हम अगर FIR दर्ज कराना चाहते हैं, FIR दर्ज नहीं हो सकती। सरकार के खिलाफ अगर किसी पे कुछ बोल देंगे, आप जानकारी भी दे देंगे तो आपको जेल का रास्ता दिखा देंगे, लेकिन आप नागरिक ही नहीं है। हम तो लगता है कि हमें कुछ मानते ही नहीं है, हमने जितनी FIR दर्ज कराई है एक भी कार्रवाई नहीं हुई। आपको सरकार से पूछना चाहिए, कभी हमारे जो अच्छे मुख्यमंत्री बाबा मुख्यमंत्री जी हैं उनसे पूछते क्यों नहीं ये बात? राज्य बाद में बता देंगे। मैं जैन जी का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि गठबंधन में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बधाई।